रत्नारत्न पदारथ महसागर पर्यारा बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़ियारा गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अमोलक पाया तेरी भगत परे भंडारा समंद विरोल शरीर हम देखिया एक बास्ते अनूप दिखाई गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु है नानक भेद ना पाई परम पूज्यपाद वालिए कुल आलम हजूरे अनबर सांझे रहबर धन दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज पातशाह जी दे अते उना दे खालसे पंथ दा घर गुरुद्वारा श्री गढ़ी साहिब जिस स्थान ते जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालिक जग जोत सबदा अवतार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सचे पातशाह जी का पहला प्रकाश गुरपुरब मनाउंदिया होया सिख पंथ के महान कीर्तनिया का उपराला भाई साहब भाई जोगिंदर सिंह जी रियाड़ जिन्हों के मन में इच्छा पैदा हुई गुरु कलगीधर पातशाह कित इस कच्ची गड़ी विच अपना परिवार लैके सन 1704 दे विच दिसंबर दे महीने पोदे दिन सी सतपो नूं दुपहर नूं दमदमा साहब जिहड़ा बाहर स्थान है उत्थे बाग च महाराज पहुंचे उत्थों फिर इस गड़ी नूं तकिया इस गड़ी नूं तकिया जदों ते भाई दया सिंह जी ने सवाल किया पातशाह इन्ने प्यार नाल ते कते आनंदां दी पूरी नहीं तकी जिन्ने प्यार नाल इस गड़ी नूं देखिया इन्ने प्यार नाल आनंदपुर नहीं देखिया कदे की कारण है ते जवाब वजों गुरु कलगीधर पातशाह ने कहा सी दया सिंघा गड़ी बेसक भावें कच्ची है परखां इत्थे बहुत पक्कियां होणियां गड़ी बेसक भावें कच्ची है आनंदपुर साहिब खालसे दा घर है पर एक गड़ी भी कल नूं सिखां ने घर बनाउणा अपना ते दूजी गल इस गड़ी दे अंदर अज असीं बैठे हाँ कदे गुरु कलगीधर पातशाह अपने दो पुत्रां ते 40 भुखे सिंघां समेत बैठे जिवें भाई साहिब जसवीर सिंह जी ने इशारा कीता ना जोगी अल्ला यार खां दे उन्हां बोलां नूं तुहाडे नाल सांझा कीता जदों इस गड़ी च आए ने इत्थे बार बार भाई साहिब जी एक इशारा कर दी भी सुरतां किते साडियां जुड़ जाण जप मन सतनाम सदा सतनाम बार बार इशारा कर रहे सी भी जुड़ जाइए बार बार सुरत साडी खिंडदी है क्योंकि साडी सुरत दा टिकाओ नहीं है टिकाओ उदों होना जदों गुरु कलगीधर पातशाह कृपा कर दे उदों सुरत खिड़ी होई टिक जाएगी बहुत तेज सुरत दौड़ती है कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए प्याले लोभी जियड़ा थिर न रहत है चारे कुंडा भाले तो मन साडा बहुत तेज दौड़ता है
बिजली की रफ्तार एक सैकंड च 32,000 किलोमीटर है, कई 3 लाख तो उत्ते भी दसते हैं। मन की रफ्तार तो अज तक बड़ी नहीं किसी को, बहुत तेज दौड़ता है। एक सैकंड च अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड, जर्मन, सारा यूरोप घूम घूम के फिर उत्थे दा उत्थे ही एडा तेज दौड़ता है। ना इनू कोई टिकट की लोड़, ना इनू कोई जहाज की लोड़, ना इनू के बीजे की लोड़, बस भजन लगता सारी दुनिया घूम के फिर उत्थे दा उत्थे ही बड़ा तेज दौड़ता है। सुरत किते टिका च आ जाए, असी टिक जाइए, मन साडा, आत्मा साडी अंदरों आवाज निकले सतनाम वाहे गुरु। कलगीधर पातशाह इसे घड़ी च जदों रात नूं आए ने, ते जोगी कहिंदा बे महाराज साहब जिगरे खुदा दी याद दे विच इत्थे जुड़ गए। और वो लिखदा जब डेढ़ घड़ी रात बीती जिगरे खुदा में, खुदा दी नाल सुरत जोड़ करके, जदों डेढ़ घड़ी रात बीती है खेमे से उतर आए सरकार हवा में, ते आण करके की वेख्या बे भुखे ते आए सिंह ने सुते पए ने, कहां दे साफे खिलरे पए ने, ए घड़ी है जी ओह ही दृश है अज असी बैठे हाँ। ओ कई रातां दे नींदरे सिंह भुखे ते आए सिंह, कोई किधर नूं डिग्गा कोई किधर नूं डिग्गा, है बिछाई कोई नहीं, घोड़े दी काठी दे थले बिछाउण वाला कपड़ा ओह बिछा के पए होए ने। ते जोगी कहिंदा चूमा कभी अकलूम दहन चूमने बैठे, जब पाईती आए ता चरण चूमने बैठे, धन कलगियां वाले पातशाह इत्थे तू अपने सिखां दे चरण चूमे सी, चरण मिलदा ही इहो जिहा पातशाह किते, इत्थे अपने सिखां दे चरण चूमे ने, चरण सिंघां दे साफे ठीक कीते। मदन सिंह काठा सिंह नूं किया भी हुण तू ही भी आराम कर लो, अज इस गड़ी दा पहरेदार पहरा देवेगा, धन कलगीधर पातशाह इस गड़ी दे पहरेदार ने। इस वास्ते बार बार बेनती कर रहे सी भाई साहब भी जुड़ जाइए सतनाम दे नाल, हुंदा की है हालत पालत मुख उज्जल होई है, नित ध्याई है हर पुरख निरंजना, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से स्थल सोयन चबारे, जिथे नाम ना जपिए मेरे गोइंदा से ही नगर उजाड़ी जी। के विद्वान का कथन है नाम जपन को जेबा दीनी, हर दर्शन नू अखी मानस जन्म अमोलक मिलिया हाथ ना आवे लखी, 24,000 श्वास बंदे दे आमदन मूल ना थीवे, ओ बंदिया जिस बंदे नू इन्ना घाटा ओ सो बंदा क्यों जीवे, अड्डा नुकसान हो रहा तेरा, 24,000 श्वास दिन पर दिन बैठ 12 चलत 18 सोवत चाले 30 मैथन करते 64 चाले, क्यों ना भजे जगदीश। बीत जह जन्म अकाज रे, दिन रात तेरा जन्म बतीत हुंदा जा रहा, ओ तेरा जन्म लंघदा जा रहा, निस दिन सुन के पुराण समझत ने रे जान, काल तो पहुंचो आन कहां जह भाज रे। हुण तेनू प्रेरणा कर दे तू एक कम कर, राम भगत ही आन छाड़ दे ते मन को मान, नानक जन कहत बखान जग में विराज रे। अपने हिरदे च राम की भगती लैके आ, जुड़ो सुरतां नूं जोड़िए। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना। तुर की बाणी जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, जो जी खसम दी बाणी आवे ओ जा वे लालो, ज्ञान करी
ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਆ ਮੋਢੇ ਮੋਢ, ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤ ਪਿਆਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਛਲ ਕਪਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਨਲ ਮਨਲ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੜ ਦਿਓ। ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੀਰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿਲਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਸ ਦਸ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਕਾ ਤੀਰ ਲੰਘਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, 18,000 ਮਿਸਾਲ ਬੁਝਾਈ ਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 18,000 ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿਲਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈਆਂ। ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਥੱਲੇ, ਚੱਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੀਰ ਚਲਾਈਆ, ਉਲਟੇ ਪਰਤ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਸੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੋ ਬਾਹਿੰਦਲ ਵਾਣ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾਓ, ਉਲਟੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਤੀਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਤੀਰ ਗਏ ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਨਿੰਮੋ ਝੂਣੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਾਸ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਤੀਰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਤੀਰ ਲਿਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਤੀਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਗਏ ਵੀ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤੀਰ ਆਉਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਤੀਰ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤੀਰ ਵਾਪਸ? ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੀਰ ਅਟਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੀਰ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੀਰ ਅਟਕ ਗਏ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਯੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖੰਭ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਸੰਗਤ ਜੀ
दा दृष्टांत विच इसे तरह गुरु की बाणी है। जिहड़े भी सिख गुरु की बाणी दे लड़ लगदे आ, बाणी दा अदब करदे आ, बाणी दा सत्कार करदे आ, इतिहासक बचन ने सतगुरु साहब सच्चे पातशाह गुरु हर राय साहब जी ये बचन आप अपने मुख तो महाराज ने कह कह लगे, जिन पै अदब ना बाणी धारा जानो सो सिख नहीं हमारा। जेड़ा सिख बाणी दा भय नहीं करदा, अदब सत्कार नहीं गुरु की बाणी दा करदा, वो मेरा सिख नहीं। अपने घर च महाराज का पहला प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। गुरमुखो अपने घर च जाके अज वेखियो किते ऐ तां नहीं है भी बाणी दा अदब सत्कार साडे घर च, ऐ तां नहीं भी बाणी नीवे थां ते पई होवे। बाणी दे नाल रिलेटिव जिहड़े साधक ने साडे बाणी दीआं पोथी साहिबान ने या गुटका साहिबान ने या संचियां ने ओ किते पैरां वाले पासे तां नहीं पईआं, ओ किते नीवे थां ते नहीं पईआं। कई वारी अपने घरां च रसाले लगे हुंदे आ, ओ आ जांदा महीने दे महीने आ जांदा जी, आपां मोख भरी आ आउणा ही आउणा उहने, असीं पढ़दे पढ़दे पैरां च रख दिंदे आ, ओह च बाणी लिखी हुई है, ओह सत्कार नहीं रह गया जे पैरां च बाणी ने रख दित्ती आ। बाणी दा पाठक जिहड़ा है बाणी नूं शुद्ध पढ़े, बाणी दा पाठ शुद्ध पाठ बिन अर्थ शुद्ध, शुद्ध बोध ने होए शुद्ध बोध बिन शब्द रस पाठक को नह होए। इस करके बाणी पहला सीखनी चाहिए, सीख करके पढ़नी चाहिए है, फिर ओदे विचों शुद्ध ज्ञान प्राप्त होवेगा। जदों बाणी दा ज्ञान शुद्ध होया ओदे चों बाणी दा रस प्राप्त होवेगा, ते जदों रस प्राप्त हो गया उत्थों आत्मक आनंद प्राप्त होवेगा, उत्थे जाके सुरतां अपणियां फिर टिकाऊ च आउणगियां, उत्थों पहलां नहीं टिकदियां। अज अपने घरां च जाके वेखियो जो बाणी दे सहत गुटका साहिब ने थले एक सोहना कपड़ा बिछाया होना चाहिए, उत्तों कपड़े नाल बाणी दे गुटका साहिब पोथियां ढकियां होनियां चाहीदियां। अदब है ना बाणी दा, सत्कार करना है ना गुरु के सिख ने। सिरहाणे वाले पासे उच्चे थां ए बाणी दी पोथियां पईयां होनियां चाहीदियां। एक गल होर, साडे मना च एक भरम है, भुलेखा है, खबरे पता नहीं नीवे थां बैठीए ते शायद बाणी दा ज्यादा रस आउंदा, बाणी दा वध फल मिलदा। सारे कुर्सियां ते बैठे होण, उच्चे थां ते घर च बैठे होंदे, कोई बैड दे उत्ते बैठा होंदा, अहीं ने एक चटाई जी बिछा के थले बह जांदे, किड्डी बेअदबी करन लगे आ। या ते कहवे सारे थले बह जाओ मैं बाणी पढ़न लगा, कोई उन्ना चिर बैड दे उत्ते कुर्सी दे उत्ते नहीं बह सकदा, नहीं तां फिर जे बाणी पढ़नी है उच्चे थां दे उत्ते बैठ के पढ़ो। गुरु साहब बाणी दा किन्ना अदब करदे आ, किन्ना सत्कार करदे आ। सिख भुलेखे नाल थले बैठ के बाणी पढ़न लगा, महाराज पलंगे तो उठे ते गोडे नूं सट लग गई है। सिखां कहा महाराज बाणी ते तुहाडी आ, ते तुसीं कहन लगे नहीं असीं नहीं मर्यादा रखांगे ते दुनिया दे लोक किवें रखणगे। बाणी दा अदब करना है, सत्कार करना है, ते गुरसिखो जो सिख गुरबाणी भै करै बिन प्रयास पौसा करतरै। जिहड़ा सिख गुरु की बाणी दा अदब करदा सत्कार करदा निरजतन इह संसार समुंदर तो उतर जांदा है, उहदा बेड़ा पार ही पार है। क्योंकि इह बाणी दा जिहड़ा भी मनुख लड़ लग गया, याद रखियो बाणी उहनूं अद विचकार कदे नहीं जे छड़दी, बाणी उहनूं अपने दे सचखंड पहुंचा दिंदी है। आपां बेनती कर रहे सी ना धुर की बाणी आई, इस देश की बाणी नहीं आए, ये धुरों आई है, दरगाह तो बाणी आई है, ते जेड़े गुरसिख इस बाणी दे लड़ लगणगे ओह गुरसिख निरजतन इस संसार तो तर जाणगे। जिवें हिमायूं पंछी दे खंभ तीरां नूं अपने देश लै गए ने, याद रखियो जेड़े गुरसिख बाणी दे लड़ लगणगे बाणी उहनां नूं अपने देश लै के जावेगी। सिखो बाणी दे उत्ते भरोसा रख्या करो। किसे विद्वान ने लिखिया है, ओ किंदा काहू को भरोसो जमीन अजमाने पै,
काहू को परोसो जोर चाकरी जहाज पे, काहू को परोसो सा पातशाह पारी मीत, काहू को परोसो कुटुंबी करे काज पे, काहू को परोसो देवानियो फारसी पे, काहू को परोसो संत गिरी के मजाज पे, काहू को परोसो जोर चाकरी चला की चौक, मोको तो परोसो एक ग्रंथ जी महाराज पे। किसे दा निश्चा किते, किसे दा निश्चा किते, गुरसिखो बाणी दे उते निश्चा रखिया करो, मोको तो परोसो एक ग्रंथ जी महाराज पे। अक्षर में हर स्टेज ते किन्ना हुना, मेरे सर को रुतबा तेरे दर से मिला है, यूं तो ए सर भी तेरे दर से मिला है, मेरे सिर नु जेड़ा अज रुतबा मिलिया ना, ए मालिक धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तुहाडी बाणी गा के तुहाडा जस करके ए रुतबा प्राप्त होया ते तुहाडे दरों प्राप्त होया है, यूं तो ए सर भी तेरे दर से मिला है। ओ विद्वान किंदा, वैसे ते सिर भी तेरे दरों ही मैनू नसीब होया, पता नहीं मां बाप ने किन्नियां करदासां कीतियां ही, दाता एक काका बख्शी, ते सारे ये शरीर तेरे दरों ही मैनू प्राप्त होया। लोगों को जो मिला होगा सो मुकद्दर से मिला होगा, लोग मुकद्दरां दे उत्ते विश्वास रखदे आ, ते लोकां नू जो मिलिया होना तकदीर नाल मिलिया होना, मुकद्दर ने मिलिया होना, मौको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। मेरे मालका, मेरा ते नसीब भी तू लिखिया है, मेरा ते मुकद्दर भी तेरे दरों ही शुरू हुंदा, तेरे दर तो शुरू होके तेरे दर ते ही खत्म हो जांदा, इस वास्ते ये जो कुछ भी है तेरे दर तो ही है। सो मालिक साहब कृपा करन, समा भावें अपनी चाल ही चल रहा, तो 11 बजे समाप्ति का हुक्म जिहड़ा संगत नूं असीं इश्तिहार लिख के भेजे ना, वह तो 11 बजे समाप्ति लिखी हुई है, तो हुण समाप्ति करनी शुरू कीता, 11:30 फिर भी बज जाने। सो इस वास्ते इन्नी बेनती प्रवान करनी आ,